के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि इंतखाबी सरगर्मियां जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर में जोर शोर से जारी है, वहीं बीजेपी के श्रीनगर में एक अहम बैठक हुई है। तरुण चुग ने इस अहम मीटिंग की सदारत की है, जिसमें असेंबली इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। खबरें यह भी है कि आज उम्मीदवारों की और एक फहरिस्त जारी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। उस पर भी सबकी नजरें होंगी कि कौन उम्मीदवार होंगे जिनको आज टिकट मिल सकती है, क्योंकि जरा सी खबरें हैं कि 7 असेंबली सीटों के लिए आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से इससे पहले ही यह आज अहम बैठक श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने की। और मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर दरक्षा इंद्रा भी समेत जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, खासकर कश्मीर सूबे के, वो इस अहम मीटिंग में शामिल रहे। और असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली, किस तरह से असेंबली इंतखाबात की तैयारी, उसका लिया जायजा और आगे की हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई। वहीं तरुण चुग ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तनकीद करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है। ताहम भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया है। कश्मीर रीजन के सभी सीनियर लीडर्स के साथ आज मीटिंग हुई है। जो कैंडिडेट्स हमारे घोषित हैं, जिनका 18 तारीख को पोलिंग होने वाला है, उन सभी प्रत्याशियों से ग्राउंड रियलिटीज की जानकारी ली गई है। उनके साथ अगले दिनों की योजना बनाई गई है, प्लानिंग की गई है। हर एक सीट पर जहां भाजपा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, हम पूरी मेहनत के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर उतरे हैं और अगले राउंड के लिए जिनको 5 तारीख तक कागज़ भरने हैं, उनके साथ भी मीटिंग्स हुई है, अलग अलग रिपोर्ट्स ली गई हैं और पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक वातावरण बना है, विकास का वातावरण, विश्वास का वातावरण, मैं हैरान हूं कि कश्मीर की जो पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर बायकॉट की पॉलिटिक्स करती थी, आज वो भारी पोलिंग से घबराई हुई हैं, हताशा में है, निराशा में है, क्योंकि जनता ने अभी ताजा जम्मू कश्मीर की जनता ने ताजा अब्दुल्लाज और मुफ्तीज के युवराज व युवरानी को हराया। इस चुनाव में अगर सबसे ज्यादा कोई कंफ्यूज्ड है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेता कंफ्यूज्ड हैं। ये अब्दुल्लाज कंफ्यूज, डिफ्यूज एंड रिफ्यूज्ड, कश्मीर की जनता ने इन कंफ्यूज लोगों को अब डिफ्यूज लिस्ट में डाल दिया। इतने कंफ्यूज हैं, उमर अब्दुल्ला साहब मैनिफेस्टो जारी करते कहते 370 और 35 से लाएंगे, उनको पता है नहीं ला सकते। उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं 100 साल नहीं आ सकता। उमर जी कितने कंफ्यूज हैं आप कि आप झूठ का पुलिंदा मैनिफेस्टो में दे रहे हैं। इतने कंफ्यूज हैं, कभी कहते हैं हरी पर्वत है, कभी कुछ है। जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है कि अब्दुल्ला परिवार के अंदर, मुफ्ती परिवार के अंदर और ये जो छुटबई पार्टियां हैं बाकी भी, इनके हाथ से सत्ता की रेत अब निकल चुकी है, जनता का समर्थन निकल चुका है। इसलिए